नमस्कार दोस्तों, सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने का कार्य काफ़ी पहले से ही शुरू कर दिया है। पहले ऐसा होता था कि सरकार आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक ना करने पर आपको जुर्माना नहीं लगाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप 31 मार्च 2023 तक अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको गूगल पर आना है और टाइप करना है इनकम टैक्स और इसे सर्च करना है और इसके बाद इनकम टैक्स के वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट का इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। अब आपको क्विक लिंक के नीचे लिंक आधार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर फिल करना है। पैन नंबर और आधार नंबर फिल करने के बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। इसके बाद एक पॉपअप आएगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद पेज कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पर आपको इनकम टैक्स के नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर पेमेंट टाइप में अदर रिसिप्ट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आपको 1,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इसे पे करने के लिए आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और पेमेंट करना है। पेमेंट आप नेट बैंकिंग और UPI किसी तरह से कर सकते हैं और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा और लगभग 4 से 5 दिनों के अंदर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक हो जाएगा और इसका स्टेटस आपको ईमेल और मोबाइल नंबर पर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर वहीं आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।